महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के चलते भाजपा में भी नाराजगी देखी जा रही है। भाजपा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे को कैबिनेट विस्तार में जगह नहीं मिली है। इस पर पंकजा मुंडे ने तो खुलकर भाजपा लीडरशिप से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन उनके समर्थक खफा बताए जा रहे हैं। इस बीच कभी भाजपा में रहे और अब एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से ने पंकजा मुंडे को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री पद के लिए इंतजार करने की बजाय पंकजा मुंडे को सीधा सीनियर लीडरशिप से बात कर लेनी चाहिए। यही नहीं, एकनाथ खड़से ने आरोप लगाया कि भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार में कई बड़े ओबीसी नेताओं को किनारा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही के दिनों में गोपीनाथ मुंडे के परिवार से जुड़े लोगों को दरकिनारा किया जा रहा है। पंकजा मुंडे के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। अभी ये भी संशय बना हुआ है कि पंकजा मुंडे को अगले कैबिनेट विस्तार में कैबिनेट में शामिल किया जाएगा या नहीं। मेरी पंकजा मुंडे को शुभकामना है। हालांकि एकनाथ खड़से ने कहा है कि उन्हें कैबिनेट में आने और वरिष्ठों से मिलने के लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़।